हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे जनरल साइंस यानी कि EVS चैप्टर नंबर 2, मोर अबाउट प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में सीखेंगे। लर्निंग पॉइंट, आज हम कौन से पॉइंट पे बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट जो होता है उनके कितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लीव्स के बारे में बात करेंगे, फिर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूट्स, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। जो प्लांट है उसके ये रूट्स, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट है, वो प्लांट के क्या है, डिफरेंट पार्ट्स है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, एक प्लांट्स दिया गया है उसमें क्या है, लीव्स है, फ्लावर है, फिर उसमें फ्रूट्स आया है, ये स्टीम है एंड ये रूट्स है। रूट्स कहाँ ग्रो होती हैं, ग्राउंड में। तो रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड, रूट्स कहाँ पे ग्रो होता है, ग्राउंड में। द स्टीम ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो स्टीम होता है वो ग्रो बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ही वो ग्रो होता है। द स्टीम ग्राउंड टूवर्ड लाइट, जो ये स्टीम होता है उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट और पानी उसको मिलता है उनसे वो ग्रो होता है। द स्टीम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स ऑन फ्रूट्स, ये जो स्टीम ग्रो होता है उनसे क्या आता है, फ्लावर आता है, लीव्स आते हैं एंड उसमें से फ्रूट्स भी आते हैं। और इसके नीचे आपको एक पिक्चर्स दिया है, आप गेस करो कि ये कौन सा पिक्चर है। यस, ये है रोज़। रोज़ कौन से कलर के होते हैं, यस रेड कलर, पिंक कलर एंड वाइट कलर, येलो भी कलर का रोज़ होता है। तो आपको जो पसंद है वो कलर अच्छे से फिलअप करना है। कलर द फ्लावर यूजिंग प्रॉपर कलर, आपको प्रॉपर कलर यूज़ करना है इसमें और अच्छे से करना है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ लीव्स इन दिस पिक्चर, यहाँ पे जो लीव्स दी गए वो हमें काउंट करनी है। तो चलो आप मेरे साथ काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। हमारी कितनी लीव्स है, 11 लीव्स। अब सेकंड पॉइंट है लीव्स। मोस्ट प्लांट हैव लीव्स, मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। फिर लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, काफ़ी सारे प्लांट्स में लीव्स होते हैं बट लीव्स जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, सभी प्लांट्स के अलग अलग साइज के लीव्स होते हैं। द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होते हैं वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट उनके लीव्स के शेप्स होते हैं। फिर है मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। ओके बच्चों, तो नीचे आपको पिक्चर्स अलग अलग दिए हैं। ये जो लीव्स है सबसे बड़ा लीव्स है, किसका है, प्लम लीफ, ये किसका लीफ है, प्लम लीफ है। फिर है बनाना लीफ, ग्रेप लीफ, लोटस लीफ, फिर है पीपल लीफ, मैंगो लीफ एंड कोरिएंडर लीफ। सबसे छोटा कौन सा लीफ है, कोरिएंडर, इसको हम धनिया भी बोलते हैं। नेम द प्लांट व्हिच लीव्स आर वेरी बिग, आपने यहाँ काफ़ी सारे लीव्स देखे उसमें से सबसे बड़ा लीफ कौन सा है, यस पाम लीफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाम लीफ। नेम अ प्लांट दैट हैज़ स्मॉल लीफ, कौन सा प्लांट सबसे छोटा है और उसके लीव्स भी छोटे हैं, तो यस कोरिएंडर, कोरिएंडर लीफ जो है वो सबसे छोटा है। फिर है फ्लावर्स, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर, जो मोस्ट ऑफ प्लांट होते हैं वो फ्लावर्स के होते हैं छोटे वाले। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज, जो फ्लावर के प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं।
मैनी फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल, और काफ़ी सारे जो फ्लावर्स है उसकी स्मेल कैसी है, स्वीट है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, फर्स्ट है रोज, आर ओ ए सी रोज, एम ए आर आई जी ओ एल डी गोल्ड, एल आई एल वाई लिली, फिर है एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर सनफ्लावर, एल ओ टी यू एस लोटस, फिर है सुई फ्लावर, जूही एंड मोगरा। तो ये जो सारे फ्लावर्स है उसके प्लांट्स के कलर भी सारे अलग अलग है, शेप्स भी अलग अलग है और साइज भी अलग अलग है। फिर है नेम एनी टू फ्लावर्स विथ अ स्वीट स्मेल, जैसे कि जो सारे फ्लावर है उसकी स्मेल स्वीट ही होती है, बट ज़्यादा स्वीट कौन से फ्लावर होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे रोज़ जो है उसकी स्वीट होती है, फिर मोगरा की भी स्वीट होती है, और सॉरी मैरीगोल्ड की स्वीट होती है एंड मोगरा की भी स्वीट होती है। तो हम यहाँ दो नाम लिखेंगे, रोज़ एंड मैरीगोल्ड। फिर है फ्रूट्स, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, काफ़ी सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स के साइज़ के जो होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं, और मोस्ट फ्रूट्स कंटेन सीड्स, और मोस्ट ऑफ जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरमेलन है उसमें भी सीड्स है, एप्पल है उसमें भी सीड्स है, पाइनएप्पल में तो काफ़ी सारे सीड्स आते हैं, फिर ऑरेंज में भी सीड्स निकलता है, और पीच है उसमें एक ही सीड्स होता है पर बड़ा होता है, और ये है मैंगो, मैंगो में भी एक ही सीड्स होता है पर काफ़ी सारा बड़ा होता है। तो ये हुई फ्रूट्स की बात, अब हम सीड्स के बारे में देखेंगे। ये है सीड्स, सीड्स आर ऑफ मैनी काइंड्स, सीड्स काफ़ी सारे होते हैं और काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वी ईट द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, यहाँ पे कुछ अलग अलग जो अलग अलग प्लांट्स नीचे दिए गए हैं, और ये जो सीड्स हैं वो हम खा भी सकते हैं, जैसे कि ये है ग्रैम, ग्रैम मतलब चने जो आते हैं वो, ये बीन्स मतलब जो गुजराती में हम बोलते हैं चोरी ऐसे, ये बीन्स हैं, फिर है वेट गेहूँ, कॉर्न, ये जो हम मकई खाते हैं वही है कॉर्न। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, ये सारे प्लांट्स सीड्स से ग्रो होते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं वो हम ग्राउंड में उसको डालते हैं, फिर उसको पानी और सनलाइट देते हैं, तो उनसे वो छोटा सा प्लांट होता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स में से वो फिर से ग्रो होता है। एंड वी शो सीड्स इन द सॉइल, एयर वाटर एंड सनशाइन आर नेसेसरी फॉर द ग्राउंड ऑफ प्लांट्स, कैसे ये ग्रो होते हैं तो हम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक बीन्स हमने ग्राउंड में बोया हुआ है, उसमें हम पानी डालेंगे, ऊपर मिट्टी है, फिर सनलाइट देंगे, तो पानी डालने से ये थोड़ा सा ग्रो हुआ है, फिर थोड़ा सा बड़ा होके वो बाहर आएगा, और उसको बाहर आके क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, तो उनसे वो ज़्यादा ग्रो होता है। ऐसे ही जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वो ग्रो होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम वर्कशीट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, राइट टी अगेंस्ट टू ट्रू सेंटेंस एंड फॉल्स अगेंस्ट फॉल्स वन, जो सेंटेंस ट्रू है तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे और फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। द स्टीम ग्रो बिलो द ग्राउंड, तो क्या है, द स्टीम ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो स्टीम है वो ग्राउंड के साथ ग्रो होती है, तो यस ये सही है, तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे ट्रू। सेकेंड है लिली इज द किंग ऑफ फ्लावर, तो नहीं ये रॉन्ग है, लिली किंग ऑफ फ्लावर नहीं है, तो आएगा फॉल्स। थर्ड है सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, तो ये सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। फोर्थ है पीच डज नॉट हैव सीड्स,
तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पिच में वन सीड होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स एफ। सेकेंड क्वेश्चन, टेक राइट द राइट वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। यहाँ पे दो वर्ड दिए गए, उसमें जो राइट वर्ड है उन पे हम राइट करेंगे। तो फर्स्ट है रूट ग्रो बिलो, सॉरी अबोव एंड बिलो द ग्राउंड। तो रूट्स जो ग्रो होता है वो कहाँ पे ग्रो होता है, बिलो द ग्राउंड, यहाँ पे हम राइट करेंगे। फिर सेकंड है प्लांट्स नीड्स एंड डू नॉट नीड्स वाटर द ग्रो। प्लांट्स जो होता है वो वाटर के साथ ग्रो होता है या वाटर के बिना ही ग्रो होता है, तो नहीं, वाटर के साथ, तो यहाँ पे हम नीड्स पे राइट करेंगे। फिर थर्ड है रोज एंड स्वीट फ्लावर हैज अ स्वीट स्मेल। रोज की स्वीट स्मेल होती है या स्वीट फ्लावर की, तो रोज की स्वीट स्मेल होती है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। फोर्थ है मोस्ट प्लांट्स ग्रो फॉर फ्रूट्स एंड सीड्स। तो मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वो किन से ग्रो होते हैं, तो कि सीड्स से, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन, विच वन डू यू लाइक मोस्ट। तो फर्स्ट है द फ्लावर आई लाइक मोस्ट इट्स इज। तो आपको जो फ्लावर पसंद है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। मुझे रोज़ पसंद है तो मैंने यहाँ पे रोज़ लिखा है। सेकंड है द फ्रूट आई लाइक मोस्ट, आपको जो सबसे ज़्यादा फ्रूट पसंद है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मुझे मैंगो पसंद है तो मैंने मैंगो लिखा है। थर्ड है द वेजिटेबल आई लाइक मोस्ट इज़, आपको कौन सा वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब लेट्स हैव फन। फर्स्ट है नेम वन फ्रूट दैट वी कैन कुक एंड ईट। आपको एक फ्रूट्स का नाम ऐसे बताना है जिसको आप कुक करके भी खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैंगो लिखा है। मैंगो को हम, मैंगो की हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और सेकंड फ्रूट आएगा बनाना, बनाना की भी सब्ज़ी बनती है, पर हमें एक ही फ्रूट्स लिखना है। नेम वन वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन रो, आप कौन सा वेजिटेबल ऐसा है जिसको आप ऐसे कच्चे ही खा सकते हैं, जैसे कि टोमेटो, कुकुम्बर, कैबेज, कैरेट, वो सारे वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। हमें कोई भी एक वेजिटेबल का नाम लिखना है। थर्ड है फिल फाइंड द नेम ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर इन द मैच। आपको यहाँ पे कुछ पजल दी हुई है और सामने आपको पिक्चर्स दिए, वो पिक्चर्स का स्पेलिंग आपको ढूंढ के बॉक्स बनाना है। जैसे कि फर्स्ट है एप्पल, तो एप्पल का स्पेलिंग होता है ए डबल पी एल ई, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। फिर ये है वेट, वेट का स्पेलिंग आता है डब्ल्यू एच ई ए टी वेट, तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। फिर ये पिक्चर्स है रोज, रोज का स्पेलिंग है आर ओ एस ई रोज, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। फिर सेकंड है ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। फिर ये है जुई, जे यू एच आई जुई। एंड सेकंड है लोटस, एल ओ टी यू एस लोटस। तो ये हमारी पजल कंप्लीट हुई। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हमें चैप्टर नंबर 3 देखेंगे।